कंपाउंड. इट विल बी वन शॉर्ट वीडियो एंड आई विल डिस्कस विद यू ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट नॉन मेटल. कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट कंपाउंड. कार्बन क्या है एक बेटा? कार्बन एक नॉन मेटल है. और कार्बन कैसे बॉन्ड्स फॉर्म करती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करती है. डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड्स भी हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं. लेकिन कार्बन कैसे बॉन्ड्स फॉर्म करती है? कोवेलेंट बॉन्ड. अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. और कार्बन की कॉन्फिग्रेशन कितनी है? 2 और 4 है. बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2 और 4. ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया. कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि के शेल है, और दूसरा शेल ये एल शेल है, और इस शेल में है प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को बनाने के लिए? 4 है यहाँ, मैक्सिमम 8 आ सकती है. या फिर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा? कार्बन ना तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. ये फॉर्म करेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बनती है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. मैं आपको CH4 की बॉन्डिंग बताती हूँ. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 और 4. तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और इसके पास ये न्यूक्लियस है तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो जो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ये आ गया CH4 बना रहे हैं हम लोग. 4 हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन के आसपास. अब हाइड्रोजन के पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. दिस इज हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, तो हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए. हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्टेट कंप्लीट. यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्टेट कंप्लीट. यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्टेट कंप्लीट. और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्टेट कंप्लीट. अब कार्बन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जो कि आपको ग्रीन से कलर में दिख रहे हैं. तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने शेयर किए और कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किए. तो ये क्या है? इट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो आप ध्यान रखेंगे कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड्स और इट इज टेट्रा कोवेलेंट. टेट्रा कोवेलेंट का मीनिंग है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करने में, बाकी एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में. अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवेलेंट, और ये बनते हैं कैसे? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हेयर इज कैटिनेशन. कैटिनेशन मीनिंग होता है कि कार्बन हैज प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. तो कार्बन की कार्बन के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स फॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, इसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन. जैसे अगर मैं एक लॉन्ग चेन बनाऊं, ठीक है, कार्बन की, और इसके पास में हाइड्रोजन एटम्स लगाऊं, ठीक है जी, हमने एक लॉन्ग चेन बनाई, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स. ये है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. जो हमने अभी बनाया ये है ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. तो ये ब्यूटेन है और इसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स है. तो इसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो बाकी कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन करता है और लॉन्ग चेन्स को फॉर्म करता है. अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डिफरेंस क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बीच में और आयोनिक बॉन्डिंग के बीच में. अभी मैंने आपको बताई कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन की हमने बनाई थी, ठीक, CH4 की बनाई थी. लेकिन ये डिफरेंस डिस्कस करने से पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. बेटा अभी मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन करूंगी H2 मॉलिक्यूल में. H2, दिस इज H2 मॉलिक्यूल, और इसमें भी प्रेजेंट है कोवेलेंट बॉन्डिंग. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और इसके बैलेंस शेल में अगर ये न्यूक्लियस है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, हम लोग H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ध्यान रखना है H2. तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन. आप दोनों ये शेयर करेंगे. ये इस हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया. इसी तरह इस हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने शेयर कर लिया. तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और यह बना हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना. हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म हुआ H2 मॉलिक्यूल. जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक. लेकिन जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ऐसे,
तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर इस तरह से तीन बार पेयर शेयर होंगे, 1, 2 और 3, थ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से आएंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से आएंगे, तब बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने बनाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अगर मोर देन टू होगी, यहाँ पर देखो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, दो एक तरफ से, दो एक तरफ से, इस तरह डबल बॉन्ड्स भी बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, NaCl। अब आपको बताएं सोडियम अटोमिक नंबर 11, क्लोरीन अटोमिक नंबर 7, कॉन्फिग्रेशन 281 और 28 और 7। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये हैं, यही वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और 1, 7। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl 2, 4, 6, 1, 7 तो ऑलरेडी इसके पास है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका भी आ गया, तो ये बन गया Na1 पॉजिटिव और क्लोरीन 1 नेगेटिव, और ये हमारे पास बन गया NaCl। तो ये वाली बॉन्डिंग जो है बेटा, ये आपकी आयोनिक बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग बनती है बाय द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय द लूज और गेन ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। और इस टाइप की बॉन्डिंग कैसे बनती है, कोवेलेंट, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये ओपन चेन कंपाउंड्स भी हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड में भी प्रेजेंट है अल्केन्स और अनसैचुरेटेड में प्रेजेंट हैं अल्कीन्स और अल्काइन्स। अब इसको आप कैसे समझेंगे, ये है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जहाँ प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, जैसे ये सी सी, और यहाँ पर हम लोगों ने इसके आसपास चार चार बॉन्ड्स हम लोगों ने फॉर्म कर दिए, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें आते हैं अल्केन्स। और अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं वो अल्कीन्स हैं, और जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्काइन्स हैं, मीनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम्स के बीच या फिर दो कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और जो हमारे पास ये एरोमेट्रिक और अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है बेटे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो आप जैसे बेंजीन रिंग है, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी कर पाओगे। तो जो ये एरोमेटिक, ये जो बेंजीन रिंग है, इनको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे अगर कोई ये कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन लगे हैं हर तरफ, तो ये भी क्या है, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब मैं आपसे बात करूँगी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले अल्कीन में मैंने अभी बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा, और अल्काइन ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट तो ये अल्केन्स हैं। क्या हैं, अल्केन्स हैं, और वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अब अल्कीन का एग्जाम्पल लें तो मीथेन इथेन, इट इज इथीन, इसका जो आगे लगेगा वो ये इथीन, और इसी तरह से ये क्या है, इट इज इथाइन, मीथेन इथेन, इथ तो आ गया, दो हो तो इथ, ठीक है, तो इट इज इथाइन, इथेन इथीन और इथाइन। इसी तरह से आपको पता है हैलोजन्स है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जनरली हम इनको एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर ये चेन्स में लगे तो हम इनको हेलो एल्केन्स बोल देते हैं। पीछे कोई भी कार्बन एटम्स की चेन लगी है, आर मीनिंग बेटा आर ग्रुप आपका
अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। आर में आप CH3, C2H5, ठीक है, C3H8, ये कोई भी एल्केन ग्रुप लगा होगा, और साथ में हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हम कहते हैं हेलो अल्केन्स। जैसे CH3Cl, ये आपका क्या है, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से OH जो ग्रुप है इसको हम लोग अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। और अगर ये ROH इसलिए रखा कि इसके पीछे कोई भी मिथाइल था, या CH3OH भी हो सकता है, C2H5OH भी हो सकता है, C3H8OH भी हो सकता है। तो जैसे ये जो लिखा है CH3OH, इसका मीनिंग है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनोल भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से जो ये फंक्शनल ग्रुप CH डबल बॉन्ड O है, इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और अगर इसके पीछे कुछ भी, CH3 भी लग सकता है, C2H5 भी लग सकता है, C3H8 भी लग सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है CH3CHO, तो ये आपका एक फॉर्मूला है जहाँ पर आपका ग्रुप एल्डिहाइड यूज हुआ है। इसी तरह से कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन्स का फॉर्मूला है सी डबल बॉन्ड ओ, अगर किसी मिथाइल चेन के साथ लगाए तो CH3C OH C2H5, तो ये कीटोन्स है। ग्रुप कहाँ लगाए, ग्रुप तो ये लगाए C OH, ये ग्रुप लगाए, इधर तो हमने अल्केन चेन्स लगाई हैं। साथ में इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है C OH OH। अब देखो फार्मूला तो ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हमने सिर्फ अल्केन चेन लगाई है साथ में CH3C2H5, ये तो कुछ भी लग सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये ईस्टर ग्रुप है, इसका फार्मूला है C OH O, तो ये है बीच में ईस्टर ग्रुप, और इसके यहाँ और यहाँ कुछ ना कुछ तो लगेगा, तो इस तरफ हमने एक मिथाइल ग्रुप लगाया है और एक और मिथाइल ग्रुप लगाया है। ये तो डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके फॉर्मूलाज क्या होंगे। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग देखते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी अल्काइन, फिर हेलो अल्केन्स, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ में ये हमारे पास CH3 या C2H5 या ये अल्केन ग्रुप, ठीक है, अल्कीन अलग है, अल्काइन अलग है, उसके बाद CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ईस्टर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, तो ये सारे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अभी मैं आपसे बात करूंगी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसमें जैसे डायमंड और ग्रेफाइट बहुत वेल नोन फॉर्म्स हैं और फुलरेंस भी हैं। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है कार्बन को, हम जो ग्रेफाइट है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको मेरा पेन दिख रहा है, लेड पेंसिल, यहाँ पर भी ये जो है ये आपका क्या है, ग्रेफाइट ही यूज्ड है। इसी तरह डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और डायमंड हार्डेस्ट मटीरियल इन द वर्ल्ड, इट इज़ नोन एज द हार्डेस्ट मटीरियल इन द वर्ल्ड। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये ज्वेलरी में यूज़ होता है और कटिंग्स में भी यूज़ होता है। इसके बाद फुलरेंस है, और इसका यूज़ है, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक। तो इस तरह से एलोट्रोपी है ये कार्बन की, मीनिंग ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोई एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मोर पॉपुलर फॉर्म्स हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, वो है डायमंड और ग्रेफाइट। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें, और इस चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।